एसी, बिलीव मी और नॉट, इंडिया में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा लोग अपने रूम के अकॉर्डिंग गलत एसी खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं होती, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है और लीकेज की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती कभी नहीं हुई एसी खरीदने में, और ये है वो गलत एसी जो हमने अपने परिवार के लिए खरीद लिया था। इसके अंदर क्या गलती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और अपनी गलतियों से सीख के आपके लिए लेके आया हूं टॉप 5 बेस्ट एसीज इन इंडिया, जो कि 2024 में है बेस्ट सेलिंग। और हमेशा की तरह इन एसीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। पर पहले इन टॉप 5 एसीज को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि अपने रूम के अकॉर्डिंग कितने टनेज का एसी लेना चाहिए। अगर आपके रूम का साइज 90 से 120 स्क्वायर फुट का है तो आप 0.8 टन का एसी अपने लिए लीजिए। वहीं अगर आपके रूम का साइज 110 स्क्वायर फुट से लेकर 140 स्क्वायर फुट तक का है, तब आप 1 टन का एसी अपने लिए लीजिए। पर वहीं अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फुट से लेकर 220 स्क्वायर फुट तक का है, तब आप 1.5 टन का एसी अपने लिए लीजिए। बट अगर आपका रूम हॉल है, बहुत बड़ा रूम है, 300 स्क्वायर फुट तक का रूम है, तब आप अपने लिए 2 टन का एसी जरूर लीजिए। पर वही अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पे, आपके रूम पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो आपके ये सारे पैरामीटर्स एकदम से चेंज हो जाते हैं। अगर आपका रूम 90 स्क्वायर फुट से लेके 120 स्क्वायर फुट तक है, तब आपको 1 टन का एसी लेना पड़ेगा। और वहीं अगर आपका रूम 110 स्क्वायर फुट से लेके 140 स्क्वायर फीट का है, तो आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। और वहीं अगर आपका हॉल है, काफ़ी बड़ा रूम है, यानी कि 130 स्क्वायर फुट से लेके 300 स्क्वायर फीट का अगर रूम है, तो आपको 2 टन का एसी अपने लिए लेना पड़ेगा, बशर्ते आपका जो रूम है वो टॉप फ्लोर पे होना चाहिए और डायरेक्ट सनलाइट अगर वहां पे आती है तो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, इन्वर्टर एसी एंड नॉन इन्वर्टर एसी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इन्वर्टर एसी है, और इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में ये फर्क होता है, हमारे पास नॉन इन्वर्टर एसी भी लिया हुआ है, वही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। पहले सबसे आपको बता देता हूं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में फर्क क्या होता है। इन्वर्टर एसी में, यानी इसके अंदर आरपीएम काफी फास्ट होता है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से कमरे में कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, और एक बार कूलिंग अटेन हो गई तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। बट वही नॉन इन्वर्टर जो एसी है, जो कि हमारे पास भी है और वो गलती है हमारी लेना, तो नॉन इन्वर्टर एसी में ये होता है कि वो एक ही आरपीएम, फिक्स आरपीएम पे चलता रहता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर ऑन और ऑफ होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा आता है। तो अपनी गलती से सीख लेते हुए मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा, प्लीज गो फॉर इन्वर्टर एसी। इन्वर्टर एसी के अलावा किसी और एसी में मत जाइएगा प्लीज, क्योंकि मैंने वो गलती करी है। मैं नहीं चाहता कि जो टेक्निकल सेल्समैन को देखने वाले, जो चाहने वाले लोग हैं, वो ये गलती करें प्लीज। अब अगला पॉइंट आता है कि कितनी स्टार रेटिंग वाला एसी हमें लेना चाहिए। अगर आप 4 से 5 घंटे डेली एसी चलाना चाहते हैं और 3 से 4 महीने साल में एसी चलेगा, इससे ज्यादा यूजेज नहीं है, तो 3 स्टार का एसी आपके लिए इनफ रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल मिनिमल आपके लिए लेके आएगा। बट वहीं अगर आपका कंजम्पशन डेली का काफी ज्यादा है, यानी कि 6 से 8 घंटे आप एसी चलाते हैं और पूरे साल 6 से 9 महीने तक आपका एसी चलता है, इतनी गर्मी आपके एरिया में पूरे साल पड़ती है कि आपको एसी का यूज करना पड़ता है, तो 4 या फिर 5 स्टार वाला एसी अपने लिए लीजिएगा, वो आपके लिए एक मिनिमल इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आएगा। बट मैं ये भी बता देता हूं कि 3 स्टार का जो एसी होता है और जो 5 स्टार का एसी होता है, ये 3 स्टार वाला इन्वर्टर एसी है, 3 स्टार वाले एसी में और 4 या 5 स्टार वाले एसी में कॉस्ट डिफरेंस भी होता है, लगभग 9,000 रुपए का डिफरेंस होता है। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी बिल से कंपैरिजन करते हैं तो बात बराबर ही पड़ जाती है। तो अगर आप वो 9,000 जाना चाहते हैं, 3 स्टार का एसी आप ले सकते हैं अपने लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिनिमल ही देखने को मिलेगा, बशर्ते ये देखते हुए कि जो 3 स्टार का एसी है उसकी कॉस्ट कम होती है, 4 या 5 स्टार वाले की एसी की खरीदने टाइम कॉस्ट ज्यादा होती है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से आप 3 स्टार का एसी ले लीजिए, वो भी आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनसेट हो जाता है। ये जो इन्वर्टर एसी है ये भी 3 स्टार एसी है। अब बात कर लेते हैं नॉइस लेवल की, कि एसी की ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। 35 to 40 dB तक का अगर एसी की आवाज है वो ओके है, वो चल जाएगी, उतनी आवाज काफी क्वाइट ऑपरेशन होता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, एसी की जो आवाज आती है ना, वो छोटे बच्चे को वो भी इरिटेट करती है कई बार, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, 35 to 40 dB तक का नॉइस ही हो एसी के अंदर, उससे ज्यादा का नॉइस ना हो। अब अगला पॉइंट आता है स्टेबलाइजर का। ये एक क्रूशियल पॉइंट है, इसे आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
ये एक इन्वर्टर एसी है जो ऊपर लगा हुआ है। इन्वर्टर एसी को ज्यादातर स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक वाइड वोल्टेज रेंज में इजीली वर्क कर लेता है, इसलिए इसको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके एरिया में भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, ज्यादा नहीं होती, कभी कभार हो जाती है, तो ये उसको मैनेज कर लेता है अपने आप ही। हमारे घर में भी जो इन्वर्टर एसी ये वाला लगा हुआ है, इसके साथ आपको स्टेबलाइजर नहीं देखने को मिलेगा। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, काफी रिसर्च करके इसको लिया है और इसके साथ स्टेबलाइजर यूज नहीं किया, इजीली वर्क करता है। बट एक बात और कहूंगा, अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंट लेवल पे होती है, तब आपको इवन इन्वर्टर एसी के साथ भी स्टेबलाइजर लगाना मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उस केस में हो सकता है बार बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, एवरीडे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, तो इसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफी लंबे टाइम से यह लगा हुआ है, कोई शिकायत नहीं आई, काफी बार वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई भी हमारे घर में, पर इसने इजीली मैनेज कर लिया, कोई दिक्कत हमें नहीं आई इसके साथ आज तक। अगला पॉइंट आता है वारंटी का। वारंटी का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपनी अपने एसी के पार्ट पे सबसे ज्यादा वारंटी दे रही होती है, यानी कि उस कंपनी को अपने एसी पे यानी अपने प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है। जितनी ज्यादा अच्छी वारंटी मिलेगी, जितनी लंबी वारंटी मिलेगी, उतना अच्छा उसका बिल्ड क्वालिटी होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। अगला पॉइंट आता है आफ्टर सेल सर्विस। एसी जैसी चीज को बार बार सर्विस करवाना पड़ता है, हर 6 महीने में आप इसको सर्विस करवाना होता है आपको, कई बार गैस भरवानी पड़ जाती है या फिर इसको क्लीनिंग भी कराना है, नॉर्मल केस है, इसे क्लीनिंग भी कराना है, तो आपको सर्विस सेंटर पे कॉल लगानी पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सर्विस सेंटर आपकी सिटी में होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर एसी का रिव्यू करने जा रहा हूं। पर इससे पहले, आपको ये वीडियो अगर यहां तक इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल टेक्निकल सेलमैन को सब्सक्राइब करके टेक्निकल सेलमैन की फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे तेजी से बढ़ने का और आपके लिए इतने अच्छे अच्छे रिव्यू लेके आने का। तो अब शुरुआत करते हैं टॉप 5 इन्वर्टर एसी की। नंबर 5 पे आता है ब्लू स्टार का इन्वर्टर स्प्लिट एसी। और ब्लू स्टार के 1.5 टन के 3-स्टार रेटिंग वाले इन्वर्टर स्प्लिट एसी की ऑनलाइन कीमत है 35,990 रुपीज की, और इसके वही 5-स्टार रेटिंग वाले 1.5 टन के इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत है 44,990 रुपीज। 9,000 रुपए का फर्क है 3-स्टार और 5-स्टार वाले में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3-स्टार वाला इन्वर्टर स्प्लिट एसी ही लीजिएगा, क्योंकि ये 9-10 हजार का डिफरेंस जो आता है ना, वो बिजली में आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा काफी बिजली सेव कर देगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बल्कि आप ज्यादा प्रीमियम पे करते हैं 5-स्टार का लेने के लिए। बेटर है आप 3-स्टार का लीजिए, वो काफी इफेक्टिव रहता है। और 1.5 टन वाले 3-स्टार एसी की कीमत है 35,990 रुपीज, बट 1 टन का 3-स्टार वाला जो एसी आता है उसकी कीमत है 32,390 रुपीज की, यानी कि 3,500 रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो बेटर आपके लिए रहेगा कि आप 1.5 टन का एसी ही ले अपने लिए, क्योंकि वो आपका पूरा कमरा जल्दी ठंडा भी कर देगा, प्लस प्राइस इफेक्टिव भी वही रहने वाला है। अगर आप उसको अपने किसी बड़े कमरे में भी बाद में शिफ्ट करने का प्रोग्राम रखते हैं, कि कोई बड़ा रूम है वहां पे शिफ्ट करेंगे, तो 1.5 टन का एसी काफी इफेक्टिव रहता है बड़े कमरों को भी ठंडा करने के लिए। और साथ में ब्लू स्टार एक इंडियन ब्रांड है, ऊपर से ये बहुत अच्छी कूलिंग करता है, इवन अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है, तब भी ये बहुत अच्छी कूलिंग आपको करके देगा। इसमें आपको कंडेंसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल दोनों आपको कॉपर की देखने को मिलती है, साथ में ब्लू फिन एंटी करोजिव प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जो की लीकेज को बचाती है और किसी तरह की जंग लगने से भी बचाएगी। इसमें आपको कन्वर्टेबल कूलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है विद 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। बाहर जिस हिसाब का टेम्परेचर है, जिस हिसाब का क्लाइमेट है, उस हिसाब से आप मोड को यूज कर सकते हैं और अपने कमरे की टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट टनेज पे इसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ताकि आपका बिजली का बिल भी बहुत कम आए और एसी भी काफी इफेक्टिव कूलिंग कर दे। 4-way swing देखने को मिलता है, अप डाउन लेफ्ट राइट, हर तरफ आप स्विंग करके एसी की कूलिंग को इफेक्टिवली पूरे कमरे में रिवॉल्व करवा सकते हो। और अगर एसी में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो इसके ऊपर जो डिस्प्ले लगी होती है एसी के स्प्लिट एसी के ऊपर ही, वहां पे आपको एरर कोड दिखाई देगा कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, या तो आइस फॉर्मेशन हो गई है, या तो वाटर लीकेज हो रही है, या पुअर कूलिंग कर रहा है, पूरे रूम में इफेक्टिवली कूलिंग नहीं कर रहा।
हर प्रॉब्लम को वो डिस्प्ले में दिखा देगा, उससे आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली एसी में इश्यू क्या है। कई बार होता है टेक्नीशियन घर आता है, अपने हिसाब से बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, तो आपसे पैसे ज्यादा चार्ज कर लेता है। जब आपको पता होगा कि ये इश्यू है, ये कोड दिखा रहा है, तो उसी हिसाब से वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, सर्विस में आपकी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। ये एक स्टेबलाइजर फ्री एसी है, काफी क्वाइट एसी है, शोर ज्यादा नहीं मचाता, और एक स्मार्ट एसी है। आप अलेक्सा या फिर गूगल के साथ भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड के साथ आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो एक साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको एसी के ऊपर, और आपको 5 साल की वारंटी दे रही है पीसीबी के ऊपर, और 10 साल की वारंटी दे रही है आपको कंप्रेसर के ऊपर। ये आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट इसका आता है कि अगर बाहर 52 डिग्री तक का टेम्परेचर भी है, तब भी आपके कमरे को अच्छे से ये ठंडा कर देगा। साथ में इसके नॉइस लेवल्स ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, लगभग 42 डीबी के नॉइस लेवल्स हैं, जो कि एक नॉमिनल नॉइस लेवल होते हैं। ज्यादा शोर भी नहीं आएगा और ज्यादा क्वाइट भी उतना नहीं है, ठीक है कि एसी चल रहा है, इतना आपको पता लगेगा। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट की। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल थोड़ा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, बाकी जितने तमाम एसी हैं पूरी लिस्ट में उनके मुकाबले में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के इन्वर्टर स्प्लिट एसी पे। ये है सैमसंग का इन्वर्टर स्प्लिट एसी, और 1.5 टन का 3 स्टार वाला सैमसंग का इन्वर्टर स्प्लिट एसी आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है 38,699 रुपीस में। एक शानदार एसी है, इजी टू क्लीन है, जो इसका फिल्टर है वो आपको टॉप पे ही देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको आसानी से खोल के बाहर निकाला जा सकता है, क्लीन करके वापस लगाया जा सकता है। इसको लगाना वापस बहुत इजी है इसको क्लीन करना। 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है, और ड्यूराफिन टेक्नोलॉजी के साथ ये लेस है। जो बाहर कंडेंसर लगा हुआ है कंपनी ने उसमें ऐसा चेंज किया है, जिसकी वजह से अच्छा हीट ट्रांसफर रेट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अंदर जो आपका कमरा है बहुत जल्दी चिल्ड हो जाता है और अच्छे से ठंडक पूरे कमरे में फैल जाती है। और कंडेंसर पे आपको 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स देखने को मिलती है एड ऑन, जिसकी वजह से करोजन या रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। आपको रिपेयर कॉस्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हैसल फ्री आप इसको यूज कर पाएंगे लंबे समय तक। इसमें ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी आती है, जो अंदर का इंडोर यूनिट है, यानी जो अंदर स्प्लिट आपका लगा हुआ है उसमें अक्सर क्या देखता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ना ग्रोथ हो जाती है, फंगस ये सब चीजें ना उसमें बन जाती हैं ज्यादातर एसी के अंदर। बट इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से अंदर मॉइस्चर डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बैक्टीरिया ये वो अंदर डेवलप ही नहीं हो सकता। ये शानदार टेक्नोलॉजी दी है सैमसंग ने। इसमें आपको डिफरेंट कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप होम अलोन हैं तो उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, एसी की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, कन्वर्ट किया जा सकता है मोड्स, अप टू 120% ऑफ पावर कंजम्पशन इसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फीचर होने की वजह से एसी के बिल को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पार्टी है तो उस हिसाब से आप कूलिंग को बढ़ा लीजिए, पार्टी नहीं है तो मोड चेंज कर दीजिए, कूलिंग थोड़ी इफेक्टिव तो रहेगी बट आपका बिल ज्यादा नहीं आएगा। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इसके अंदर देखने को मिलती है, और सबसे खास बात वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। अगर आपके एरिया में काफी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो ये एसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन को बचाता है, आपके एसी को बचाएगा वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्टर होने की वजह से। R32 गैस रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा, ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। ये एसी आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। तो 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको एसी पे, 1 साल की वारंटी दे रही है पीसीबी पे, और 10 साल की वारंटी दे रही है आपको कंप्रेसर पे। अब बात कर लेते हैं प्रो एंड कॉन्स की, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पॉजिटिव पॉइंट इसका सबसे पहले आता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है, कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका कम आने वाला है, तो पावर कंजम्पशन उस हिसाब से बहुत कम करता है, ताकि आपको इफेक्टिव बिलिंग देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो कंपनी इसकी पीसीबी भी दे रही है 1 साल की वारंटी, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी जितने एसीज हैं सब पे 5 साल की पीसीबी पे वारंटी देखने को मिलती है, तो इसके अंदर पीसीबी पे 1 साल की वारंटी मिल रही है। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट आता है, जो इसका रिमोट है उसमें बैक लाइट देखने को नहीं मिलती। रात को अक्सर क्या होता है, हम सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, एसी ऑन कर देते हैं और सो जाते हैं, गलती से हमें एसी को ऑपरेट द्वारा करना पड़ता है, अगर जो रिमोट होगा उसमें तो हमें बटन्स दिखेंगे नहीं, तो बैक लाइट का होना बहुत जरूरी होता है रिमोट पे। बैक लाइट अगर होगी तो हमें लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं है, एसी को एडजस्ट किया और वापस से सो गए, इन केस अगर करने की जरूरत पड़ी तो।
अब बढ़ते हैं हमने तीसरे नंबर के इन्वर्टर स्प्लिट एसी पे। नंबर थर्ड पे आता है डाइकन का इन्वर्टर स्प्लिट एसी, और डेढ़ टन का थ्री स्टार वाला डाइकन का इन्वर्टर स्प्लिट एसी ऑनलाइन देखने को मिलता है 36,990 रुपीज में। आज की डेट में डाइकन बड़ी बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रहा है अपने फीचर्स के दम पे और प्राइसिंग के दम पे, काफी कंपेटिटिव प्राइसिंग दे रहा है ये। 100% कॉपर कॉइल देखने को मिलती है और एंटी क्रोजिव कोटिंग देखने को मिल जाती है आपको कॉपर कॉइल के ऊपर। PM2.5 फिल्टर इसके अंदर देखने को मिलता है। ये क्या करता है, बाहर की इन्वायरमेंटल एयर को जो है अच्छे से फिल्टर आउट करके अंदर बहुत ही फ्रेश एयर थ्रो करके देता है आपको, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है एसी तो चल रहा है बट बहुत ही ना मतलब गंदी सी स्मेल से भी आ रही है, बहुत ही सफोकेशन फील होती है चाहे एसी चल भी रहा हो क्योंकि फ्रेश एयर नहीं सर्कुलेट हो रही, बट ये काफी फ्रेश एयर सर्कुलेट करता है। पीओ क्लीनिंग फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है जिसकी वजह से इवेपोरेटर में डस्ट और मॉइस्चर अपने आप ये क्लीन कर देता है। फोर वे स्विंग देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ प्रॉपरली एयर सर्कुलेट कर देगा, पूरा कमरा बहुत अच्छे से ये कूल डाउन कर देता है। स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, R32 रेफ्रिजरेंट देखने को मिलता है और सेल्फ डायग्नोस्टिक का फीचर इसमें देखने को मिल जाएगा, खुद से डायग्नोस करके बता देगा डिस्प्ले पे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है एसी के अंदर ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए ये इशू है एसी में इन केस कोई फॉल्ट आता है तो। अब बात कर लेते हैं वारंटी की, तो एक साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको एसी पे और 5 साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको पीसीबी पे, 10 साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको कंप्रेसर पे, और ये आपको 1 टन, 1.5 टन और 1.8 टनेज में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स की, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। पॉजिटिव पॉइंट इसका आता है इसकी कूलिंग बहुत इफेक्टिव है, PM2.5 फिल्टर देखने को मिलता है जिसकी वजह से अंदर बहुत अच्छी फिल्टर्ड एयर ये थ्रो करने वाला है और लो पावर कंजम्पशन इसके अंदर देखने को मिलती है, बिजली का बिल ज्यादा नहीं आने वाला आपका। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, इसके अंदर कन्वर्टेबल मोड नहीं देखने को मिलता है जिसकी वजह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मोड के अंदर। साथ में सेकेंड नेगेटिव पॉइंट इसका ये आता है कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। चलिए अब बढ़ते अपने दूसरे नंबर के इन्वर्टर स्प्लिट एसी पे। ये आता है पैनासोनिक का इन्वर्टर स्प्लिट एसी, डेढ़ टन का थ्री स्टार वाला पैनासोनिक का इन्वर्टर स्प्लिट एसी आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा 33,990 रुपीस में। 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है, शील्ड ब्लू कोटिंग देखने को मिलती है सारी कॉइल्स के ऊपर इसके अंदर, जिसकी वजह से कोरोजन को प्रोटेक्ट करता है और काफी लंबे समय तक आपका एसी चलेगा, और इवन जो इंडोर यूनिट है अंदर जो स्प्लिट लगा हुआ है उसमें भी एक्स्ट्रा एंटी करोजिव कोटिंग आपको देखने को मिल जाती है। वाईफाई फीचर के साथ ये लेस है, जबरदस्त फीचर है। इसमें क्या होता है, मिरेल ऐप आती है, आप मोबाइल में डाउनलोड करिए, उसके बाद अपने एसी को उससे कनेक्ट कर दीजिए और आप मोबाइल के जरिए एसी को कंट्रोल कर सकते हो। 7-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग हाई कैपेसिटी मोड और एआई मोड। एआई मोड में क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर को अपने आप सेंस कर लेता है एसी, उस हिसाब से अंदर का टेम्परेचर चेंज कर देता है, आपके लिए अंदर कूलिंग कितनी रखनी है वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, और वॉइस कमांड से भी आप एसी को एडजस्ट कर सकते हो, एसी को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हो अपनी आवाज के जरिए ही। PM0.1 फिल्टर देखने को मिलता है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे इसके अंदर और फोर वे स्विंग देखने को मिलेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ प्रॉपरली एयर सर्कुलेट हो जाएगी। R32 रेफ्रिजरेंट है, प्लस इसके अंदर हिडन डिस्प्ले देखने को मिलती है। हिडन डिस्प्ले क्या होती है, या मोबाइल से या फिर रिमोट से जब क्लिक करेंगे तभी वो डिस्प्ले दिखेगी कि हाँ यहाँ पे डिस्प्ले है, अदरवाइज वो हिडन लगेगी, पूरा खूबसूरत पैनल दिखता है उसकी वजह से। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की, तो 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है आपको प्रोडक्ट पे, 5 साल की वारंटी दे रही है पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी दे रही है आपको कंप्रेसर पे। ये आपको 1 टन, 1.5 टन और 2 टन में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रो एंड कॉन्स की, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका आता है, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है, एआई फीचर्स के साथ ये लेस है, जबरदस्त फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको लो नॉइस लेवल देखने को मिलती है, इसकी आवाज ज्यादा नहीं है, बहुत ही शांत काम करता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की, कमियों की बात करते हैं। इसका ये नेगेटिव पॉइंट है जो इसकी डिस्प्ले है, जो मैंने हिडन डिस्प्ले भी आपको बताया ना, उसकी ब्राइटनेस काफी कम है, आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, दिखेगा, ऐसा नहीं है कि दिखता ही नहीं है, दिखेगा, बट बाकी एसी से कंपेयर करें तो उसकी थोड़ी सी जो डिस्प्ले है सिर्फ उसकी ब्राइटनेस कम है।
और अब अगर आप ऐसा एसी लेना चाहते हैं जो कि फास्ट कूलिंग करता हो, आपके बिजली के खपत को भी कम दे, आपका बिजली का ज्यादा बिल ना आए, साथ ही उसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी हो, तो हमारा नंबर वन एसी आप ही के लिए है। ये आता है एलजी का एआई ड्यूल इन्वर्टर एसी। फिलहाल 1.5 टन वाले 3-स्टार एलजी के स्प्लिट एसी की ऑनलाइन कीमत है 37,490 रुपीज। 100% कॉपर कंडेंसर देखने को मिलता है और फिन कंडेंसर के ऊपर आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपका जो एसी है लंबे समय तक चलता रहेगा, बहुत ही शानदार। इसके अंदर आपको एआई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और ड्यूल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पे ये वर्क करता है, स्टेबलाइज रहता है और बहुत जल्दी कमरे को ठंडा ये कर देता है। 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको 110% हाई कैपेसिटी मोड देखने को मिल जाता है, ताकि अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है फिर भी आपके कमरे को शानदार ये कूलिंग प्रोवाइड करेगा। एलजी इसे विराट मोड कहती है। ऑटो क्लीन फीचर इसके अंदर देखने को मिलते हैं, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हैं इसके, 4-way एयर स्विंग देखने को मिलेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट हर तरफ एयर का स्विंग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से शानदार कूलिंग आपके कमरे में ये करेगा। R32 रेफ्रिजरेंट है, प्लस इसके अंदर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, आप मोबाइल से कनेक्ट करके भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। उसके साथ इसके अंदर लो गैस इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, अगर गैस लो हो चुकी है आपको इंडिकेट कर देगा, आप राइट टाइम पे उसे रिफिल करवा पाएंगे। अब बात करें वारंटी की, तो 1 साल की वारंटी कंपनी दे रही है प्रोडक्ट पे, 5 साल की वारंटी दे रही है पीसीबी पे और 10 साल की वारंटी दे रही है आपको कंप्रेसर पे। ये 1 टन 1.5 टन और 2 टन में देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स की, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, तो इसकी कूलिंग आती है, आरपीएम इसका बहुत फास्ट है और स्टेबलाइज रहता है, जिसकी वजह से बहुत ही फास्टर कूलिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा। फास्ट कूलिंग तो कर रहा है पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल इसके अंदर कम देखने को मिलेगा और आफ्टर सेल्स कस्टमर सर्विस शानदार है एलजी की। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, बैक लाइट नहीं मिलती है आपको रिमोट के ऊपर इसके, प्लस इसका प्राइस थोड़ा सा ओवरली प्राइज्ड है, बाकी जितने भी एसी थे उससे हल्का सा ज्यादा है पर बहुत भी ज्यादा नहीं है, पर जिस तरह की ये फीचर्स दे रहा है, ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, ये शानदार डील है। तो जितने भी एसी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, सबका लोएस्ट प्राइस लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अभी अर्ली समर सेल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको काफी कम प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं, पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एसी की डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड वर्सेस सप्लाई की सारी गेम है, जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइजेस हाई हो जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी सभी प्राइजेस को चेक कर लीजिए, मैंने 1 टन 1.5 टन 2 टन के सभी एसी के नीचे Amazon के एफिलिएट लिंक आपके साथ शेयर किए हैं, हर एक एसी कंपनी के जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी है, उन पे क्लिक करके आप उनके प्राइजेस को चेक कर सकते हैं, अगर खरीदना चाहे अपने परिवार के लिए उन्हें खरीद भी सकते हैं। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, मैंने कोशिश करी आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं जितने भी एसी से रिलेटेड हो, फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है जो मुझसे छूट गई हो, आपका कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप कभी भी किसी वक्त क्वेश्चन पूछिए, उसी वक्त आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को रखना इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं टेक्निकल सेलमैन आपसे लेता हूं अलविदा, जय हिंद।